हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग इज लाइफ। फ्रेंड्स बहुत दिन हो गया मैं कुछ भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे जो है शेयर मार्केट के ऊपर मुझे ट्रेनिंग लेना था, तो मैं ट्रेनिंग ले रहा था। ठीक है, तो मैं फिर से हाजिर हो गया दोस्तों आप लोगों के लिए मेरा वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपने पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आने वाला हूँ मेरे चैनल में बहुत सारे टेक्नोलॉजी टाइप का एंड जो है बहुत सारे एजुकेशन टाइप का वीडियो जो आपको बहुत ही अपग्रेड करने वाला है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो को आपने जो है डिस्क्रिप्शन देख के आपको मालूम चल गया होगा कि दोस्तों शेयर मार्केट एक ऐसा बिजनेस है, यहाँ पे आप जो है आपका पैसा लगा के 6 महीने में और 1 साल में जो है आपका पैसा जो है डबल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो है ऑप्शन है यहाँ पे। दोस्तों हम सबको मालूम है कि शेयर मार्केट में जो है बिजनेस में मिनिमम जो है 80% आदमी जो है यहाँ पे लॉस खाता है, बट जो 20% लोग जो प्रॉफिट खाता है, जो 80% का जो लोग का जो लॉस है वो 20% के लोगों के पास जाता है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ भी काम करने के लिए आपको स्किल चाहिए। अगर आपके पास पक्का 100% स्किल है तो आपको मालूम चल जाएगा क्या होने वाला है। तो दोस्तों ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस आपको अच्छा से आता है, आपको टेक्निकल एनालिसिस आपको अच्छा से आता है, आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको मालूम है, तो दोस्तों आप भी एक पर्सन हो सकते हो कि शेयर मार्केट जो पैसा आप नहीं गंवा सकते। दोस्तों लॉस तो आने वाला चीज़ है, लॉस तो आ सकता है, मगर आपको चाहिए कि आपका जो लॉस है उसको कम करना चाहिए। ठीक है, एंड आपका जो प्रॉफिट रहेगा उसको आप ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ये शेयर मार्केट भी सीखने का चीज़ है, एंड ये शेयर मार्केट जो है बिजनेस का चीज़ है, तो इसको बिजनेस सोचिए, इसको गैम्बलर मत सोचिए, इसको गैम्बलिंग मत सोचिए, इसको जो है जुआ सट्टा मत सोचिए। इसको अगर आपने ट्रेडिंग का बिजनेस प्लानिंग किया है, अगर आपके इन्वेस्ट करने का प्लानिंग है, तो इसको जो है आप मतलब बिजनेस ही सोचिए। ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मैं कल ही देखा है। ठीक है, मेरा जो MRF है, अच्छा इसको आप मनी कंट्रोल में जाएंगे www.moneycontrol.com। देखिए MRF लिख लिया, एंटर किया, इसका जो है टोटल डिटेल सबको आ जाएगा। दोस्तों ये जो एक शेयर है बहुत ही अच्छा शेयर है, क्योंकि ये जो पहली बार NSE में और BSE में जो है इसका 50,000 का जो मार्क्स है वो पार कर चुका है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं NSE में एंड BSE में इसका रेट जो है, और आप देख सकते हैं कि इसका टुडेज लो एंड हाई, टुडेज लो था देखिए 52,802 एंड हाई था 54,100, और 52 वीक का मीन्स एक साल का इसका लो हाई था 30,000 एंड हाई था 55,000। तो आपको मालूम चल जा रहा है कि अगर आपने इसी शेयर को प्लानिंग कर लिए होते थे कि इसको मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि जो है MRF टायर के लिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आ रहा था इंडिया में, तो अगर आपने प्लानिंग करके इसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर लिए होते थे तो शायद से शायद जो है इसको आप डबल से डबल जो है आपको कमाई देने वाला था। ठीक है, देखिए ये है, ये देख सकते हैं आप जुलाई में इसका रेट था 30,000, तो उसके बाद बाउंस बैक करके डबल हो गया, 55,000 हो गया। दोस्तों लाख भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि लाख नहीं, बट लाख से ऊपर ज़्यादा है आपको हार्ड अर्न मनी है ना, आपको जो है हार्ड काम करने का इच्छा। ठीक है, तो ये सभी रहेंगे तो आप शेयर मार्केट अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरा MRF का 5 मिनट का मैं चार्ट खोला हूँ, ठीक है आज का, तो इसका एक एक कैंडल का अगर बात करेंगे तो इसको जो है 100 पॉइंट्स लो एंड हाई बना रहा है। अब देख सकते हैं इसमें जो है आपको हाई एंड लो दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए ये पहला कैंडल था 53,030 रुपीज़ हाई, एंड लो था 53,700। एक बड़ा कैंडल है 53,832 एंड लो है 53,530। अच्छा ये एक कैंडल है 53,545 हाई, लो है 53,250। तो इसी तरह आप अगर इसमें सर्च करेंगे तो आपको बहुत ही मिनिमम एक 20-30 कैंडल मिल जाएगा जो आपको 100 पॉइंट का ऊपर एंड डाउन एंड आप देने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको प्रीफर करके बोलूँगा कि पहले आप MRF का अगर शेयर में बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप MRF के शेयर में मीन्स इंट्राडे में बिजनेस कर रहे हैं, तो आप पहले जो है इसका 3 चार्ट खोलिए। एक तो है 1 मिनट का चार्ट, दूसरा 3 मिनट का चार्ट एंड तीसरा जो है 5 मिनट का चार्ट। तो थोड़ा वेट कीजिए, सुबह से एकदम 9:15 में मार्केट खुलता है, उसी टाइम पर जो है आप मतलब बिजनेस में एंट्री मत कीजिए। देखिए आधा घंटे तक देखिए कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा तरफ है, कि देखिए मार्केट में अगर आप ट्रेंड फॉलो करेंगे तो आप जो है पक्का जो है आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो इंट्राडे में प्रॉफिट करना बहुत नामुमकिन चीज़ है, बट अब इसको मुमकिन कर सकते हैं। थोड़ा ट्रेंड फॉलो कीजिएगा, आधा घंटे तक देखिए इसको। देखिए मेरा जैसा एक 3 मिनट का चार्ट में और 5 मिनट का चार्ट में एक ट्रेंड लाइन बनाइएगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये जो है ट्रेंड नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन बनाइए एंड उसके बाद जो है आप बिजनेस करना शुरू कीजिए। तो मैं जो है मेरा अकाउंट में पैसा नहीं था, तो मैं कल ही इसको मालूम चला कि इसका जो है ऐसा हाई एंड लो है, तो मैं सोचा था कि क्यों ना आज एक शेयर के ऊपर मैं देख लूँ। तो मैं इसको आज एक ही शेयर परचेस किया था, सेल किया, उसके बाद
एक शेयर सेल किया उसके बाद परचेस कर लिया। एक बार मैं लॉन्ग में था उसके बाद जो मैं शॉर्ट सेल किया था, ठीक है। तो पहले बार जो मेरा, देखिए ये मेरा ट्रेड बुक है, पहली बार मैं 53,970 में इसको मैं परचेस किया था तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था 53,750। तो ये जो मेरा, मुझे तभी मालूम चला था कि मार्केट जो है आज नीचे की ट्रेंड है। तो दोस्तों मार्केट में बिजनेस का सबसे पहला मंत्र जो है, आप लॉस करेंगे तो लॉस कम खाइए, प्रॉफिट आपको ज़्यादा खाने का कोशिश करना है, ठीक है। तो मेरा पहले देखिए मेरा यहाँ पे कितना था, 220 पॉइंट्स मेरा लॉस था। उसके बाद मैं सेम टाइम पे जाके 53,820 में मैं इसको शॉर्ट सेल कर दिया, ठीक है, सेल कर दिया। उसके बाद जो है मैं वेट करता रहा। मेरा टारगेट था कि ये जो है 52,500 तक जाने वाला है, बट जितना टाइम से इसको कम हो रहा था इसका अमाउंट, इसका शेयर का रेट, तब मैं इसको जो है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर रहा था, ठीक है। तो ट्रेलिंग करते करते जो है मैं इसको ट्रेलिंग में 53,200 में मैं ट्रेलिंग करके गया। मेरा परचेस किया था, सेल किया था 53,820 में, उसके बाद मैं ट्रेल करते करते 53,200 में गया। तो मेरा इसी शेयर में कितना, एक ही परचेस में मुझे कितना फायदा हुआ, 620 फायदा हुआ, ठीक है। तो जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा था कि मार्केट जो है बहुत ही नीचे, उसके भी नीचे जाने वाला है, देखिए ये भी और भी नीचे गया, मगर मैं यहाँ पे मार्केट एक थोड़ा रेजिस्टेंस ले रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मार्केट जो है यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जाने वाला है, ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ है, बट ये मेरा स्टॉप लॉस हिट करके जो है नीचे की तरफ गया। और कितना तो गया, 52,810 में गया। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता था इसी टाइम पे, तो मेरा और भी 400 पॉइंट्स का जो है मुनाफा लगता था, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं कि देखिए ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ मुझे 600 का पॉइंट्स देखे गया मुझे। तो आप सोच रहे होंगे कि आपके पास 50,000 रहना पड़ेगा उसके बाद जाके आप इसको बिजनेस कर सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं है। आप अगर जीरो में बिजनेस कर रहे हो, अगर किसी का भी आपका बिजनेस का सॉफ्टवेयर है, तो अगर जैसा कि मेरा बिजनेस का सॉफ्टवेयर है जीरोधा का जो है jirodha.com/margin-calculator/bracket-and-cover, तो इसमें आप देखिए कितना आपका फंड रहना चाहिए जिसके वजह से आप जो इस एक शेयर को बिजनेस कर सकते हैं। तो ठीक है मैं इसको देख लेता हूँ, इक्विटी उसके बाद MRF, तो MRF आ गया, एंटर कीजिए। देखिए यहाँ पे इसको रेट हम लिख देते हैं 53,000, सपोज के 53,500 का था, ठीक है। एक क्वांटिटी परचेस करेंगे, बाई करेंगे, ठीक है, और स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 53,200। तो मेरा पास कितना अमाउंट रहना चाहिए, देखिए मेरा फंड में अगर 2,560 रहेगा तो मैं जो इसको ऊपर, जैसा कि मैं सेल किया हूँ, 600 पॉइंट का मुझे मिला है। तो इसी 600 को रुपीज़ का हम देख लेंगे ब्रोकरेज कैलकुलेटर में, जब ब्रोकरेज कितना मिलता है, तो 53,820 and 53,200। अच्छा मेरा सेल का था 53,820, उसके बाद मेरा परचेस किया था 53,200, ठीक है। तो एक क्वांटिटी के ऊपर मुझे जो है ब्रोकरेज मिला था, 30 का ब्रोकरेज लग गया था, एंड मुझे जो है 620 का फायदा हुआ था, उसमें से 30 काट के मुझे 590 मुझे मिला है मेरे अकाउंट में। तो दोस्तों बात यही है, देखिए अगर आप 10 स्टॉक से खेलना है तो आपको जो है 5,977 मिलेगा। 10 क्वांटिटी लेने के लिए आपके अकाउंट में कितना पैसा रहना चाहिए, देखिए 10 क्वांटिटी उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, देखिए 25,600 अगर आपके पास है, तो इसी तरीके से आज जैसा कि मैं मुनाफा किया हूँ, इसी तरीके से अगर आप हिसाब करेंगे तो आपको 5,000 का मुनाफा मिलता था, 5,977 का, ठीक है। तो दोस्तों बात सिंपल है, थोड़ा सोच लीजिए, दिमाग खड़ा के इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ है, देखिए आपका टारगेट लगाइए एंड उसके बाद जो है स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते करते ऊपर लेके जाइए, तो उसमें जो है आपको फायदा ज्यादा से ज्यादा होने वाला है। जब आप देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बना है, उसके ऊपर जाने वाला है, तब जो है आपका स्टॉप लॉस जो है टाइट कर दीजिए, आपको फायदा जो है ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। और अगर आपने फायदा में है तो अगर आप देख लीजिए कि आपका पैसा जो है मार्केट में वेस्ट ना हो, स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते टाइट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर हम इसको फ्यूचर में सेल करते थे, देखिए फ्यूचर है, अच्छा MRF का 25 जनवरी 2017 का जो कि ये इसका रेट है इतना ही और स्टॉप लॉस हमारा इतना है, तो कैलकुलेट करेंगे, देखिए तो अगर हमारा अकाउंट में 14,509 रहेगा तो हम फ्यूचर में खेल सकते हैं। फ्यूचर में जो इसका जो लॉट है 15 का लॉट है, ठीक है। तो 15 का लॉट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो मुझे जो है 600 पॉइंट्स मिला था, तो उसी हिसाब से हम अगर बात करेंगे 15 का, तो यह है फ्यूचर का रेट, ठीक है। तो 53,200 and 53,820 और मेरा पास क्वांटिटी था 15, तो मुझे कितना मिलना था जैसा था दोस्तों, देखिए 9,131 पॉइंट्स। दोस्तों आज तो मैं लकी था कि मुझे जो है इतना पॉइंट्स मिल गया। तो दोस्तों लग सकता है कि आपको जो है आपको इतना पॉइंट्स ना मिला हो, तो जैसा कि मैं पहले भी देखा चुका हूँ कि इसका जो है एक एक कैंडल जो है 100 पॉइंट्स का खेल रहा है, तो 100 पॉइंट्स का लो हो रहा है एंड 100 का हाई हो रहा है। तो आप देख लीजिए मार्केट किस तरफ है, उसी तरफ से आप इसको बिजनेस करते रहिए। अगर 100 पॉइंट्स का भी आपको मिल गया, देखिए 53,200 अगर है और आपको 53,300 भी अगर है, तो अगर आपने
फ्यूचर में बिजनेस कर रहे हैं, फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आपको 15 क्वांटिटी है एंड 15 क्वांटिटी से आपको जो है खाली 100 पॉइंट्स मिला है, 100 रुपीज़ पर शेयर मिला है, तो आपको कितना रुपीज मिलने वाला है, देखिए 15 शेयर से आपको जो है 1330 रुपीज़, देखिए आपका फंड में कितना है 14000, तो 14000 के फंड में आपको कितना मिल रहा है, 14000 के फंड में आपको मिल रहा है 100 पॉइंट्स का अगर वो अप डाउन हो रहा है तो आपको मिल रहा है 1300, तो बहुत ही अच्छा डिसेंट कमाई है, ठीक है। तो इसी तरीके दोस्तों आप जो है इसको इंटरनेट बिजनेस करके जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। 100 पॉइंट्स का उम्मीद कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, देखिए 1300 रुपीज़ जो है बहुत होता है, एक दिन का 1300 रुपीज़ जो है बहुत होता है। इसके लिए आपको चाहिए खाली 5 मिनट का, हाफ एन आवर, और हो सकता है कि आधा दिन, तो फुल दिन आपको लग सकता है, बट महीने में 20 डेज है, तो 20 डेज के हिसाब से आपको जो है महीने में 26000 आपको मिल जाएगा। एक लॉट के ऊपर आप बिजनेस करेंगे और आपका फंड रहेगा 14500 रुपीज़ एंड उसके ऊपर आपको मिल जाएगा 20 दिन का अगर हिसाब करेंगे तो 26000 मिल जाएगा। छोड़िए दोस्तों 20 दिन का छोड़ दीजिए, 10 दिन का भी लीजिए, क्योंकि इसमें जो है एक दिन लॉस होता है, उस दिन हाफ होता है, एक दिन फायदा होता है, ठीक है। तो 10 दिन का भी अगर बात कर लेंगे तो 13000 रुपीज़ हो जाएगा, तो 13000 रुपीज़ अगर यहाँ पे हो जाएगा तो आपको यहाँ पे कितना हो रहा है, एक महीने में आपका जो है 14000 में आपको 13000 मिल रहा है, एक महीने में ही आपको जो है इसको डबल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो गया मैं ट्रेडिंग का बात कर रहा था, कुछ थ्योरी भी है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है MRF का moneycontrol.com में 1 ईयर का चार्ट है, यहाँ पे लोएस्ट किया था 30000 और यहाँ पे हाईएस्ट किया था कितना 55000। ये जो था जुलाई में, जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो मिनिमम 6 महीने में ये जो है डबल के करीब हो गया। तो अगर इसको हम बात करेंगे 2 साल में, तो 2 साल में भी उसका रेट उतना ही था लोएस्ट 30000, एंड 5 साल का अगर बात करेंगे, देखिए 5 साल में कितना हुआ था, ये लोएस्ट था 7111 एंड हाईएस्ट हुआ था 55924, तो कितना गुना हो गया दोस्तों, ये मिनिमम 8 गुना हो गया दोस्तों। अगर आपने इसके ऊपर बिजनेस करते रहते थे, अगर आप ये शेयर आपके अगर पोर्टफोलियो में है तो बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि आपका जो है पैसा जो है 5 साल में 8 गुना हो गया है, तो बहुत ही अच्छा बात है दोस्तों। और एक बात दोस्तों, ये कंपनी जो आपको डिविडेंड भी देता रहता है, देखिए ये 30% डिविडेंड, उसके बाद 30% डिविडेंड, उसके बाद देखिए ये कितना 190% डिविडेंड, उसके बाद ये 30%, ये 30%, ये देखिए 240% डिविडेंड, ये 30%, ये 30%, ये देखिए 440% डिविडेंड मिल चुका होता आपको, ठीक है। ये देखिए ये 30%, ये भी 30%, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको 940% डिविडेंड। तो दोस्तों अगर आपने MRF टायर के ऊपर बिजनेस करते थे, बिजनेस कर रहे हैं आप, तो आपको जो है एक 5 साल से बिजनेस कर रहे थे, आपको जो है बहुत सारे डिसेंट अमाउंट मिल गया होगा, क्योंकि ये देखिए 3 अगस्त 2016 में इन्होंने जो है अपने इन्वेस्टर का जो है 940% डिविडेंड दिया है, तो बहुत अच्छा शेयर है, मुझे कल ही मालूम चला है, तो मैं सोचा कि एक शेयर में देख लूँ, तो एक शेयर में देख लिया, शायद जो है मैं कल को जो है फ्यूचर में 15 लॉट लेके बिजनेस करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको 100 पॉइंट्स का ही मिला है तो आपको जो है बहुत सारे डिसेंट अमाउंट मिल जाएगा, डिसेंट बिजनेस मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, कि आपका पैसा जो है शेयर मार्केट में लगा के आप 6 महीने में और 1 साल में और कम से कम जो है आप 1 महीने में भी इसका पैसा, आपका पैसा जो है इसको डबल बना सकते हैं, आपके पास जितना पैसा हो। देखिए अगर मैं 200 पॉइंट पे खेलता था, जैसे कि आज मुझे 600 पॉइंट का मुनाफा मिला, तो इसी तरीके से अगर मैं इसको देख लेता था, देखिए आज मुझे जितना मिला है, देखिए मेरा पास अगर 14509 रुपीज़ रहेगा मेरा फंड में फ्यूचर में, तो फ्यूचर में तो इसी अराउंड में अगर फ्यूचर में इसको सेल करूंगा 53820 में और मेरे पास 15 क्वांटिटी है, तो मेरे पास कितना हो गया अमाउंट 9130 रुपीज़। तो इसी तरीके से अगर मैं इस 4 दिन में भी अगर ऐसा मेरा बिजनेस रहा तो 4 दिन में मेरा अमाउंट जो है डबल होने वाला है। देखिए मेरे पास कितना था फंड्स 14000 और मैं जैसा कि आज बिजनेस किया हूँ, इसी तरीके से अगर मैं फ्यूचर में बिजनेस कर रहा था 15 फ्यूचर लेके, तो मुझे 9000 मिलने वाला था, तो 9000 इंटू 4 दिन कितना होता 36000, मेरे पास कितना रहता था 14000। तो 4 दिन का अगर ऐसा बिजनेस रहेगा तो मेरा जो है पैसा जो है 4 दिन में ही डबल होने वाला था। दोस्तों ये था कुछ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एंड फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो सीखते रहिए दोस्तों, सीखने का कुछ टाइम नहीं रहता है, सीखने का कुछ उम्र नहीं रहता है। तो मुझे जो है बहुत सारे लॉस हो रहा था, मैं सोचा कि चलो मैं कुछ सीख लूँ, इसलिए मैं ट्रेनिंग में लगा हूँ, ठीक है, और मेरा आने वाला 4 दिन भी ट्रेनिंग है, तो मैं बहुत सारे सीखते रहूँगा, उस जब भी मैं सीखते रहूँगा मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। अब अगर मेरा जैसा नया हो ट्रेडिंग में बिजनेस में, तो सभी मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। दोस्तों पहले बात तो है कि आप शेयर मार्केट में जितना कम हो सके यहाँ पे लॉस करो, लॉस का अमाउंट जो है आपका कितना कम हो सकता है उतना कम करो, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैं 2 कोड आपको बोलना चाहता हूँ, कि एक तो है वॉरेन बफेट का एंड दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। तो वॉरेन बफेट का एक कोट है कि नंबर 1 पॉइंट, डोंट लूज योर मनी
एंड नंबर टू पॉइंट डोंट फॉरगेट द नंबर वन पॉइंट। ये था वॉरेन बफेट का कोट। एंड दूसरा कोट जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन का है, वो क्या कोट है दोस्तों, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड न्यू थिंग्स। तो आप अगर मिस्टेक करेंगे तो आप जो है नया थिंग्स ट्राई करते रहेंगे, तो आप मिस्टेक ही नहीं करेंगे तो आप नया थिंग्स कैसे ट्राई करेंगे। अगर आपका मिस्टेक नहीं चल रहा है, ठीक से चल रहा है, तो आप नया चीज में पास नहीं जाएंगे, तो मिस्टेक हो रहा है मीन्स आप नया कुछ ट्राई करते रहेंगे। तो दोस्तों ये था बात। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इसके ये टॉपिक के ऊपर मैं आपको समझा पाया हूँ। दोस्तों शेयर मार्केट में सक्सेस कैसे होना है, शेयर मार्केट में बिजनेस करके जो है आप कैसा आपको जो है उभरती हुए बिजनेसमैन की तरफ जो है आप शेयर मार्केट में कदम रख सकते हैं, उसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो लेके आने वाला हूँ। ठीक है, सक्सेसफुल टिप्स आप शेयर मार्केट में कैसे बिजनेस कर सकते हैं, कैसा आपको लॉस कम होने वाला है, तो इसी तरह बहुत सारे टिप्स मैं लेके आने वाला हूँ। मेरा चैनल में स्टे ट्यून कीजिएगा, मेरा चैनल में देखते रहिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको रियली में वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो में एक बार लाइक कर दे। एंड दोस्तों ये वीडियो को आप जो है कमेंट करना मत भूलिए, आपका जो भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई। और दोस्तों आप वीडियो को जो है आप सोशल मीडिया में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका फेसबुक में, आपका व्हाट्सएप में आप जो है वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। एंड आफ्टर ऑल दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरा चैनल बहुत सारे एजुकेशन टाइप का, टेक्नोलॉजी टाइप का एंड स्टॉक मार्केट के ऊपर जो बहुत सारे जो है ऑलराउंड टाइप का जो है वीडियो आप मैं जो है मेरा चैनल में देता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलता हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग कीप टीचिंग।